वेलकम बैक गाइस। तो आज इस वीडियो में बात करूंगा एंड्रॉइड एप्स को हम पीसी में कैसे रन कर सकते हैं। तो गाइस, ये काफी बार होता है हम अपने पीसी में एंड्रॉइड एप्स को रन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जैसा कि हमें व्हाट्सएप हम यूज करते हैं फोन में, वो हमें पीसी में डायरेक्टली नहीं मिल पाता है। विंडोज 7 में तो मिलता ही नहीं है गाइस। यहाँ पर अगर हम डाउनलोड करने के लिए जाते हैं पीसी के लिए, तो यहाँ पर हमें विंडोज 10 के लिए तो मिल जाता है, और विंडोज 10 से अबव है उनके लिए भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर विंडोज 7 में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं नहीं बात कर रहा हूँ विंडोज 7 की, आप यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन ईजिली डाउनलोड करके चला पाएंगे अपने पीसी में। तो गाइस, वो सब कैसे करना है इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। दिस इज वसीम एंड यू आर वाचिंग वसीमोपीडिया यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। तो गाइस, अगर हम अपने पीसी में कोई भी एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं, तो एक बात तो क्लियर कर लेनी चाहिए कि यहाँ पर जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन होती है वो .apk एक्सटेंशन में होती है। .apk मतलब एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे वो वर्क कर सकती है। और अगर हम बात करें पीसी की, तो यहाँ पर exe आपने देखा हुआ एक्सटेंशन होती है, तभी वो फाइल हमारे कंप्यूटर में वर्क करती है। तो गाइस, इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर एक एंड्रॉइड एम्युलेटर डाउनलोड करना होता है। एंड्रॉइड एम्युलेटर आपको काफी सारे मिल जाएंगे गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे तो, जिसमें से एक हो सकता है ब्लूस्टैक। मैंने ब्लूस्टैक से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं ली है, इस वजह से कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी एम्युलेटर डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं, काफी सारे आपको मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर बता दिया है कि ब्लूस्टैक को कैसे डाउनलोड करना है, उसके लिए मैंने पहले वीडियो बना दिया था। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो कैसे डाउनलोड करना है और वो कैसे वर्क करता है, ये सब मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में बता दिया है, तो आप उसको जाकर देखिए अगर आप ब्लूस्टैक डाउनलोड करना चाहते हैं। तो जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, तो उसके बाद आपको वहां पर क्या करना होता है, वर्चुअल फोन वहां पर एक क्रिएट हो जाता है। वर्चुअल फोन मतलब एक एंड्रॉइड डिवाइस आपको वहां पर मिल जाता है। वहां पर आपको काफी सारे यहाँ पर ऐप मिल जाते हैं, दैट मीन्स वहां पर आपको एक प्ले स्टोर मिल जाता है। अब आप समझ सकते हैं, जब यहाँ पर एक प्ले स्टोर मिल जाता है तो यहाँ पर हम सारे ऐप्स रन कर सकते हैं, सारे ऐप्स यहाँ पर हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पर आपको प्ले स्टोर मिल जाता है, और प्ले स्टोर से आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जैसा कि हो सकता है व्हाट्सएप हो सकता है, फेसबुक भी हो सकता है यहाँ पर, और काफी सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। यहाँ पर आप गेम भी बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं। अगर आप कोई भी गेम खेलना चाहते हैं अपने पीसी में, एंड्रॉइड या फिर फ्री फायर में, फ्री फायर जो आप खेलते हैं वो अगर आप पीसी में खेलना चाहते हैं, तो आप एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है, तो आप यहां से खेल सकते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन यहां पर पीसी की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा होती है। अगर आप यहां पर अपने पीसी में ये सब डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपका एक पीसी है वो अच्छी स्पेसिफिकेशन में होना चाहिए, दैट मीन्स 4GB रैम होनी चाहिए, और यहाँ पर आपको प्रोसेसर भी i5 होना चाहिए, या फिर i3 है तो भी चलेगा। लेकिन आप वहाँ से अपने हिसाब से एम्युलेटर चूज करें, कौन सा एम्युलेटर आपको डाउनलोड करना है, जो लाइट वेट हो उसको ही डाउनलोड करें। अगर आप चाहते हैं तो मैं लाइट वेट एम्युलेटर पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि आपको आपके पीसी के अकॉर्डिंग कौन सा एम्युलेटर डाउनलोड करना चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए और मैं यहाँ पर आपको लाइट वेट एम्युलेटर्स बता दूंगा।